हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट सी फ्रेंड्स चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें फ्रेंड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए उन्हें, वो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ मैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सब आपको बता रहा हूँ इसके लिए आपको चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये एक बंदा सेलेक्ट हुआ है उसकी आपको नीचे डिटेल्स दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उम्मीदवार के लिए निर्देश दिए गए हैं, वह निर्देशों का आपको पालन करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड्स आप में जो निर्देश दिए गए हैं वो हैं आपके अभिलेखों की समीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पर उल्लिखित दिनांक, समय और स्थान सामान्य परिस्थितियों में नहीं बदला जाएगा। किसी भी परिस्थितियों फ्रेंड जहाँ पर जो डेट दी गई है फ्रेंड, जैसे कि इस एडमिट कार्ड पर दिखाया गया है, ये आपकी इसकी डेट दी गई है इस बंदे की कि रिजर्व पुलिस लाइन सिविल लाइन्स कानपुर पे पहुंचना है। तो फ्रेंड्स जो डेट है वो है 8 दिसंबर 2018, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर 2 PM, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे करना है इसको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाया गया है, सब कुछ दिखाया गया है फ्रेंड्स इस यहाँ पर। और फ्रेंड्स यहाँ पर इसके बाद पर्सनल डिटेल के बारे में दिखाया गया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल्स है उसके लिए फ्रेंड्स आपको आवेदन पर एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, 2 फोटोग्राफ, और उसके बाद आपको फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए, मूल फ़ोटो युक्त पहचान पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल पत्र पहचान की प्रति भी होनी चाहिए, DV चेकलिस्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको हाईस्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यहाँ पर हाईस्कूल की मार्कशीट लिखी हुई है, 12th की मार्कशीट भी लेके जानी है आपको, मूल अंक ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आप OBC से बिलोंग करते हैं तो मूल श्रेणी प्रमाण पत्र के साथ राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल श्रेणी प्रमाण पत्र की छाया प्रति विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में। उसके बाद फ्रेंड्स चाहिए आपको भूतपूर्व सैनिक एक्सर्विसमैन हो, उसके आप हो नहीं एक्सर्विसमैन हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बारे में दया मूल निर्वहन प्रमाण पत्र NCO के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल निर्वहन प्रमाण पत्र या NOC की छाया प्रति चाहिए यहाँ पे फ्रेंड्स। आगे दिया गया है डोमेसल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, तो उसके द्वारा आपका जो मूल निवास UP निर्वहन प्रमाण पत्र के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल निवास पत्र की छाया प्रति आरक्ष का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, ये तो आप पढ़ सकते हैं इनको वीडियो को पोस्ट करके फ्रेंड्स। आगे आपको दिए गए हैं प्राथमिक योग्यता दस्तावेज दिए गए हैं जो कि इस प्रकार है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दिया गया है प्रादेशिक सेना प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय सेना में 2 साल की सेवा का मूल प्रमाण पत्र, राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित पत्र की छाया प्रति आवश्यक है, मूल NCC भी प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर राष्ट्रीय कैडेट कोर्स हो आप तो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो। फ्रेंड्स जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं वो उनकी तो कोई बात नहीं है, वो जो तैयारी कर रहे हैं असफल हो गए हैं किसी वजह से, मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आया है सेकंड के लिए, तो अपनी तैयारी जारी रखें फ्रेंड्स। आगे वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म फिलअप कर दिया होगा आपने, तैयारी पर लग जाइए फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश की संपूर्ण तैयारी करी जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लें फ्रेंड्स, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।